किसान साथियों, आज की ये वीडियो गन्ना के प्रमुख रोग पोका बोइंग को ख़त्म करने वाले जो फंगीसाइड हैं उनके तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी के लिए बनाई गई है। साथियों, ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रयोग है, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और गन्ना अनुसंधान करनाल के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। उसी के अनुसार मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। ये एक्सपेरिमेंट गन्ने की अति संवेदनशील किस्म CO0238 में किया गया था। इसके लिए 9 फंगीसाइड को लिया गया था, जिसमें हेक्साकोनाजोल, एजॉक्सीस्ट्रोबिन, कार्बेंडाजिम, प्रोपिकोनाजोल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैनकोजेव, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेव और टेवुकोनाजोल, क्लोरोथालोनिल आदि शामिल थे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सा फंगीसाइड सबसे ज़्यादा प्रभावी रहता है और रोग को सबसे अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। ज़्यादातर किसान भाई किसी यूट्यूबर या दुकानदार के बहकावे में आकर एक से एक महंगे फंगीसाइड गन्ने में लगा देते हैं, जिससे लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि महंगे फंगीसाइड भी वो कार्य करने में सक्षम नहीं होते जिन्हें सस्ते फंगीसाइड भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि किस फंगीसाइड से कितने प्रतिशत रोग कंट्रोल हुआ, दूसरा किस फंगीसाइड से कितने प्रतिशत उपज में वृद्धि हुई। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बेंडाजिम की। इसका जिस प्लॉट में प्रयोग किया गया उसमें 4.07% रोग था। इसका प्रयोग करने के बाद 86.34% रोग कंट्रोल हुआ, साथ ही इसके अंदर 34.38% उपज में वृद्धि देखी गई। दूसरी बात करते हैं टेवुकोनाजोल की। इसके प्लॉट में 4.96% रोग था। इसके प्रयोग करने के बाद 83.33% रोग कंट्रोल हुआ, वहीं 28.13% उपज में वृद्धि पाई गई। तीसरी बात करते हैं कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेव की। इसके जो प्लॉट था उसमें 6.01% रोग था। इसके प्रयोग के बाद 79.80% रोग पर कंट्रोल मिला, वहीं 23.96% उपज में वृद्धि देखी गई। साथियों, इसमें चौथा है प्रोपिकोनाजोल। इसका जो प्लॉट था उसमें 6.68% रोग था। प्रोपिकोनाजोल के प्रयोग के बाद 77.55% रोग पर कंट्रोल मिला, वहीं 21.88% उपज में वृद्धि देखने को मिली। इसी में पांचवा फंगीसाइड है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसे COC बोल देते हैं। इसके प्लॉट में रोग प्रतिशत 6.71 था। इसके प्रयोग करने के बाद 77.46% रोग पर कंट्रोल मिला, वहीं 18.23% उपज में वृद्धि देखी गई। छठा फंगीसाइड है हेक्साकोनाजोल। इसके प्लॉट में 9.64% रोग था। इसके प्रयोग के परिणाम स्वरूप 67.62% रोग पर कंट्रोल मिला, वहीं 12.5% उपज में वृद्धि देखी गई। साथियों, सातवां फंगीसाइड है मैनकोजेव। इसका जिस प्लॉट में प्रयोग किया गया उसमें 11.34% रोग था और इसके प्रयोग करने के बाद 61.91% रोग पर कंट्रोल मिला, वहीं उपज में वृद्धि की बात करें तो 9.9% उपज में वृद्धि देखी गई। साथियों, आठवें नंबर पर है एजॉक्सीस्ट्रोबिन। इसके प्लॉट में 12.44% रोग देखा गया और इसके प्रयोग करने के बाद 58.21% रोग पर कंट्रोल मिला, वहीं 9.34% उपज में वृद्धि देखी गई। साथियों, इसमें नौवें नंबर पर आता है क्लोरोथालोनिल। इसका जो प्लॉट था उसके अंदर 14.5% रोग था। इसके प्रयोग करने के बाद 52.8% रोग पर कंट्रोल मिला और उपज में वृद्धि की अगर बात करें तो 6.77% उपज में वृद्धि देखी गई। साथियों, इसमें जो सबसे बेहतरीन फंगीसाइड रहा वो कार्बेंडाजिम था,
जिसने सबसे ज़्यादा प्रतिशत रोग को कंट्रोल किया। आपके खेत में अगर पोका बोइंग रोग है तो उसमें फंगीसाइड के प्रयोग की अगर हम बात करें तो सबसे बेहतरीन फंगीसाइड आपके लिए कार्बेंडाजेब या टैबुकोनाजोल रहते हैं। इनका 2 से 3 छिड़काव करने पर बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।